और ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मुंह खुल जाएगा, मैं बिल्कुल बैटिंग लाइन पे भी चुप बैठा हूँ। इस तरह के शॉट पड़ रहे हैं नसीम शाह पे यार, मुझे तो लग रहा था ये टीम आ रही है पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी। अबे ये तो जलील कर रहे हैं भाई, पाकिस्तान मुंह से निकल रहा है। मैच देख रहे हैं बड़े दिनों बाद, लेकिन वही जब जब मैं पाकिस्तान का मैच देखता हूँ मुझे ना मतलब क्या बोलूं यार मैं, मतलब मुतासिर क्या हूँ, मतलब क्या देखूं यार। 134 रन बनाए हुए अपने 16, आज भी हम लोग वही चल रहे हैं 107 170 बस इतने ही। ये मारा भाई आईपीएल के बाद तुम छोड़ ही दो ये छक्का। अच्छा अब मेरी एक बात है, आईपीएल वाले जिस माइंडसेट से खेल रहे वो तो 200 से नीचे तो बात ही नहीं करते। 200 अगर नहीं हुआ तो मैच हार गया, ठीक है। अब हमारे वाले अभी तक 170 180 के माइंडसेट से खेल रहे यार, जब सामने बी ग्रेड बॉलिंग लाइन है तो आपको तो आज अपना रन रन रेट अच्छा करो, 260 करके जाना चाहिए था आपको। लेकिन खैर अभी देखते हैं पाकिस्तान कितना बनाता है टोटल, अभी 4 ओवर बाकी है और अभी टोटल देखते हैं कितना होता है, फिर पाकिस्तान की बॉलिंग देखते हैं। और मुझे आज पता नहीं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज हम हार नहीं जाए, बस प्लीज हार मत जाना भाई। शाहीन की बॉलों में यार चौके छक्के पड़ेंगे कि अब ये डबल बदनामी होगी, एक तो बी ग्रेड टीम से हारोगे, ऊपर से अपने होम ग्राउंड में रावलपिंडी के अंदर हारोगे, तो भाई हार मत जाना, ये विकेट ले लो। 22 रन विकेट नहीं आई है, मैं दाल चावल खा रहा हूँ जरा। ये देखो नसीम शाह का जो स्वागत किया है ना रॉबिनसन ने, वो चौके के साथ किया है। अभी एक विकेट आ गया, बास आफरीदी विकेट लेके गया है, लेकिन मुझे आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है न्यूजीलैंड ये सोचकर आई है कि यार आज बस विकेटें आए कुछ भी आए। ये देखो ओ आज जीतना है, इस तरह के शॉट पड़ रहे हैं नसीम शाह पे यार, शॉट देखा आपने? क्या बैक टू बैक फोर्स आ गए भाई, जड़ मार दिया मेरे भाई, बोल्ड कर दिया। और होता है रॉबिनसन को किया चलता, अपने दो चौकों का बदला नसीम शाह ने ले लिया जड़ मार के। तुम्हारे जितना ही नसीम शाह। मुझे तो टेंशन हो रही है कि इतना अच्छा क्राउड आया हुआ है आज, ठीक है, और अगर ये क्राउड के सामने जलालत हो गई पाकिस्तान टीम की तो मुझे क्या बताओ। मैं अभी चली गई थी, बाबर ने क्या बनाया? आई लव बाबर आजम, मी ऑल्सो बाबर आजम इज द बेस्ट। यस आज भी बाबर आजम ने क्या किया है, तुम नाच ये तो बताओ ना। दो मैचेस हो चुके हैं बाबर आजम से, देखो आज नहीं अम्मा कल भी कुछ नहीं किया था। बाबर आजम कब बनाएगा रन? T20 वर्ल्ड कप जब खत्म हो जाएगा, ICC चैंपियन ट्रॉफी जब खत्म हो जाएगा, एशिया कप जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ देखेंगे अगर बाबर आजम कर रहा है। वो जो रात के अंधेरों में क्रिकेट होती है खाली मैदानों में, उसमें होगा तो होगा वो मशरूम अकेले बना। अरे अभी मेरे को मम्मा अजियत हो रही है सहनी, मेरे को टेंशन हो रही है, हार नहीं जाए यार। इतनी बड़ी बड़ी बातें करी है वीडियो में कि यार असली टीम भेजते हैं फिर वो लोग क्या क्या हो जाएगा, फिर वो ये बोले कि पहले इनसे तो निमट लो। शादाब खान जो आपकी टीम का वाइस कप्तान भी होगा T20 वर्ल्ड कप में, उस पर आप शॉट चेक करें जरा, आप ये देखें इतना बड़ा पीछे हट के इतना, यार मैं क्या बोलूं मतलब यार पापा नहीं करूं। लेकिन वही वाली बात है ना, मतलब ना आप बताओ एक्सक्यूज क्या देंगे? एक्सक्यूज देंगे यार वो असल में एक्चुअली हम इस वजह से हार गए क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हमने अब्बास आफरीदी को चांस दिया आमिर को बिठा के। भाई ये एक्सक्यूज वर्ल्ड कप में थोड़ी ना चलेंगे यार, ये जो आपकी सीरीज से करवा रहा है आपका बोर्ड, या क्योंकि इसके सीरीज के आई थिंक फौरन बाद ही वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, है ना। मैं तो अभी बैटिंग लाइन पे बिल्कुल चुप बैठा हुआ हूँ, मेरा यकीन करो मेरा मुंह खुल जाएगा, मैं बिल्कुल बैटिंग लाइन पे भी चुप बैठा हूँ, मैं चुप बैठा हूँ। कुछ पुरानी आदतें मम्मा आसानी से नहीं सुनो सुनो भैया, मैं बोलूंगी कि भाई इनको खिलाओ पिलाओ ताकि इनमें ताकत आए। यार कैच ड्रॉप कर दिया वो भी नसीम ने, मतलब नंबर वन पेसर इस वक्त हम लोग समझ रहे हैं अपने आप को, मांग लेंगे कैच ड्रॉप हो जाएंगे। ये पुरानी आदत है ना, बहुत बड़ी जाएंगी बेटा, ये गलत है, ये पुरानी आदत है, ये इतनी आसानी से नहीं छूटेगी, सीधी सच्ची बात है। फील्डिंग से तो पाकिस्तान का आपको पता है पुराना रिश्ता। मार्क चैपमैन की हो गई है 50, रावलपिंडी के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के होम ग्राउंड में पाकिस्तान के बॉलर्स के सामने 50 जड़ दिया अपना, और 50 भी बहुत खूबसूरत जड़ा है मेरे भाई। पे आए थे हाँ, 50 हुई इनकी जी। यार ये क्या कर रहे हैं भाई, विकेट की स्पेलिंग भूल गए क्या? WICKET विकेट, विकेट चाहिए अभी, बहुत जरूरी है विकेट, वरना बॉल्स तो बहुत है अभी इनके पास यार। शाही को तो भाई तोड़ के रख दिया है, मैथ्यू वेट वाली फीलिंग आ रही है मुझे। आजम खान को बिठा दो, आजम खान क्या यार, अम्मा मैं बोल रहा हूँ कि यार अभी मैं क्या बोलूं यार, अभी पहले पूरा मेहमान आए हुए एक जीतने दो, क्या पूरा हारने दो इनको, उसके बाद मैं बोलूंगा यार मेहमान है, यार मेहमान है हमारे, देखो न्यूजीलैंड, देखो इंडिया नहीं आया, कोई नहीं आया, ये लोग आ रहे तो इनकी मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी ना। वर्ल्ड कप खेलने पे वेस्ट इंडीज और यूएसए जा रहे हो, वेस्ट इंडीज और यूएसए को जीत दे दो, क्यों खेल लो? नहीं ये लोग तो आए हुए हैं ना, ये लोग तो आए, और ये क्या हो रहा है हमारे साथ समझ में नहीं आ रही।
यार मुझे आईपीएल ला के दो, मैं नहीं देख रहा। आईपीएल बड़ा खत्म हो गया। गुजरात और पंजाब का क्या हुआ मुझे बताओ, मैं नहीं कर रहा। गुजरात पंजाब को छोड़ो, तुम अपने आप लोगों को देखो। ये वर्ल्ड कप में क्या करेंगे भाई, अगर ये अभी रावलपिंडी में इनसे बॉलिंग हो रही यार। मार्क चैपमैन बड़े बड़े उठा के मार रहा है शाहीन को, शाहीन नसीम किसी को नहीं छोड़ रहा भाई। अब एक्सक्यूज लेकर आ जाओगे यार, वो एक्चुअली असल में आमिर नहीं था। अरे भाई वो आमिर को भी ऐसे करता, आमिर हो जाता तो क्या 10 विकेट छोड़ लेता आमिर यार। लोगों ने यार यार ये बंदा समझ रहा होगा मेरे अंदर इतनी ताकत क्यों आ गई दंगल की तरह, माफी बता दे। ऐसा तो नहीं जानबूझ के हार रहे मार गया। मैंने देखा है गेम अच्छा खेलता है, ऐसी बात नहीं है। 77 इसका तो मूड भाई, मुझे 70 खिला दिया। अबे इसके दिमाग में आईपीएल चल रहा है क्या, ये समझ रहा है मैं आईपीएल की ग्राउंड में खड़ा हूं। 100 नहीं कर ले ये अपनी आज। ये देखो पाकिस्तानी लोग किस तरह के हो जाते हैं जब पाकिस्तानी टीम को देखते। फिर चौका यार पूरा ओवर में, ये तो 6 चौकों की तो बारिश कर दी भाई आज। कौन रेट कर रहा नसीम शाह को हाईली, मुझे जरा बताओ। अरे तुम इस तरह से क्यों बैठ गए, नीचे बैठ गए छुप छुप के, बड़ा छुप नहीं सकते तुम, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने जा रहे थे ना अभी। तुम कह रहे थे ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊंगा और पेसर से आ गए हमारे पास। आपने अपने होम ग्राउंड में 105 रन की पार्टनरशिप लगा दी यार, ऊपर तो बैठ गया। ओवर थ्रो भी हो रहा है अब, ये तो लग रहा था कि ये लोग प्रैक्टिस करने चैंपियन बना दिया। मुझे तो लग रहा था ये टीम आ रही है पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी। अबे ये तो जलील कर रहे हैं भाई। और ये भाई पाकिस्तान अपना पाकिस्तान भाई न्यूजीलैंड से बी ग्रेड टीम में बोलूंगा सीधा सीधा उससे, न्यूजीलैंड की बी ग्रेड टीम तीसरा T20 हार चुका है ठीक है। और जो बातें इतना हो रही थी कि यार अपना आप अच्छी टीम भेजते हैं और ये क्या हो गया वो आ गया, इतनी कंप्लेंट्स हुई, इससे तो जीत जाओ, इससे क्यों हार गए फिर। अच्छा आज लोग कंप्लेंट्स करेंगे आमिर नीता, सबसे पहले कंप्लेंट ये होगी, चलो आमिर नीता नसीम तो था वर्ल्ड क्लास बॉलर, शाहीन अफरीदी तो था ना भाई पेसर्स आपके पास, आपके पास अब्बास अफरीदी था, चलो डेब्यू था उसको कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर बैटर्स की तरफ आ जाए हां सबसे बाबर था से, आपने आज 20 ओवर में बी ग्रेड बॉलर्स के सामने आप सिर्फ जिमी निशम के अलावा आपने 179 बनाए खाली यार, ये डिजर्व करते हैं आपको तो 230-240 आपको तो आज पेल के रख देना था भाई। और अब ये देखो यही बस यही मनाजिर हमें मुझे ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलने वाले हैं, बड़ा ही अजीब मामला। आप देखो कि एशिया के अंदर इंडिया जब उनके दो ओवर से रह भी गए, बल्कि इंडिया जब भी अपनी होम सीरीज खेलती है ना कभी भी इंडिया मैच बहुत मुश्किल से हारे तो हारे, वरना हमेशा वो सीरीज तो जीतती है। अभी आप लास्ट इंडिया और अफगानिस्तान का देख लो, याद है सुपर ओवर हो गए थे दो लेकिन वो फिर भी जीते थे। और मुझे तो जिस हिसाब से माशाल्लाह से सिचुएशन लग रही है तो ये सीरीज भी मुझे जाते हुए दिख रही है। और मैंने तो वीडियो में बोला था कि भाई व्हाइट वॉश चाहिए, व्हाइट वॉश करना नहीं, लेकिन व्हाइट वॉश नहीं। और न्यूजीलैंड फाइनली न्यूजीलैंड ऑफिशियली जीत गई है 7 विकेटों से आपके नसीम शाह शाहीन शाह अफरीदी शादाब खान इफ्तिखार अब्बास अफरीदी सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट लेने में कामयाब हुए। हाँ भाई तो अब ये सिस्टम हो गया, न्यूजीलैंड जीत गई है अपना तीसरा T20। मार्क चैपमैन ने बेहतरीन किस्म की इनिंग खेली है, वो अलग बात है हम नहीं खिलवाई है उसको, हमारे बॉलर्स ने खिलवाई है तो इसने खेल ली। चलो यार मेहमान आए हुए जीत गया तो कोई मसला नहीं, वाली बात है ना मीम्स आएंगे मेहमान आए हुए तो एक जीत गया ये हो गया। खैर कल है राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस का मैच, तो कल देखते हैं क्या सिस्टम होता है, कल का व्लॉग भी आएगा जरूर देखिएगा। आज तो जरा डिप्रेशन से मैं बाहर आऊंगा, आरसीबी भी हार गई पाकिस्तान भी हार गई, डबल डबल सिस्टम हो गया मेरे ऊपर।